लाइव दर्शन टुडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में शिरडी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई गई है। जैसे कि हमारा कोई भी दर्शक शिरडी आना चाहता है तो उसमें सभी जानकारी उसे बहुत ही लाभदायी होने वाली है। देखते हैं शिरडी के बारे में संपूर्ण जानकारी। शिरडी, शिरडी जैसे कि हमारे सुंदर से देश भारत में आता है और उसका राज्य है महाराष्ट्र। शिरडी हमें घूमने के लिए, विस्तार से घूमने के लिए एक दिन का वक्त लगेगा ही लगेगा। शिरडी आने के लिए हमें नज़दीक का मेट्रो शहर है पुणे, जो 180 किलोमीटर है, और दूसरा मेट्रो शहर है मुंबई, जो 258 किलोमीटर है। शिरडी घूमने के लिए बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। उसी टाइम ज़्यादा भक्तगण वहाँ विजिट करते हैं और शिरडी का आनंद लेते हैं। शिरडी के नज़दीक के मैं आपको शहर बता देता हूँ। जैसे कि मनमाड़ शहर है, वहाँ बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है जो शिरडी से 58 किलोमीटर दूर है, और दूसरा शहर है अहमदनगर, जो उसका डिस्ट्रिक्ट है, 80 किलोमीटर दूर है। नासिक शहर शिरडी से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। शिरडी जैसे कि मैंने आपको बताया अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है और वह महाराष्ट्र का बहुत ही अच्छा लोकप्रिय जगह है और पूरे भारत में भी शिरडी साईं बाबा के नाम से जाने जाती है और वो पूरे दुनिया के, पूरे भारत के और पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छे संत होकर गए हैं। साईं बाबा जब शिरडी में प्रथम आए थे तब उनकी उम्र थी 16 साल। वो शिरडी में बहुत लंबे समय तक रहे और जब उनका देहांत हुआ था तब साल था 1918। साईं बाबा ने छोटे से शिरडी शहर को बहुत ही होली, मतलब बहुत ही लोकप्रिय जगह बनाए थे अपने भक्तों। सभी भक्त अपने बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत ही दूर दूर से आते हैं। जैसे कि साईं बाबा, साईं बाबा के बारे में क्या बताएं। साईं बाबा का शिरडी ऐसी जगह है, वहाँ साईं बाबा की समाधि है और उसी समाधि के दर्शन के लिए हम सभी भक्तजन वहाँ जाते हैं। शिरडी के टेम्पल के बारे में बताया जाए तो शिरडी का टेम्पल 200 स्क्वायर मीटर में है और उसी 200 स्क्वायर मीटर में, 200 स्क्वायर मीटर में गुरुस्थान है, साईं बाबा का गुरुस्थान है, साईं बाबा का समाधि मंदिर है, साईं बाबा की द्वारका माई है, चावड़ी है और लेंडी बाग भी है। ये सभी देखने लायक चीज़ और सभी दर्शन करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। आप सभी को पता होगा शिरडी टेम्पल भारत का बहुत ही रिचेस्ट टेम्पल है। शिरडी टेम्पल के बारे में बता जाए तो सभी भक्त डोनेशन के रूप में साईं बाबा के दरबार में 4 बिलियन के ऊपर पैसे साल में दान करते हैं। साईं बाबा के नज़दीक के टेम्पल शिरडी में, जैसे कि साईं बाबा के टेम्पल है उसी नज़दीक में मारुति टेम्पल है, खंडोबा मंदिर है, साई हेरिटेज विलेज है, नज़दीकी शनि सिंगनापुर है और नासिक शहर भी नज़दीक है। बहुत ही भक्तोगण भक्तिभाव के रूप में साईं बाबा के दर्शन में पूरे साल भर में विजिट करते हैं। एवरेज बता जाए तो डेली 50,000 भक्त शिरडी में रहते हैं और साईं बाबा के दर्शन लेते हैं, और फेस्टिवल के समय देखा जाए तो यह संख्या 50,000 से लेकर 1,00,000 भक्तों तक चली जाती है, जो कि रोज़ साईं बाबा के दर्शन में आते हैं, शिरडी में आनंद उठाते हैं और शिरडी को देखते हैं। साईं बाबा संस्थान के बारे में बता जाए तो श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट है शिरडी में स्थित है, जो कि अपने भक्तों के लिए 2,500 रूम की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब भक्तों के लिए रहने के लिए भक्त निवास है, जो टोटल रूम की संख्या है 2,500। और शिरडी के अलावा देखा जाए तो शिरडी में बहुत ही बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, होटल है और बहुत ही अच्छे अच्छे रिसॉर्ट भी हैं, जो बजट से लेकर स्टार कैटेगरी तक आते हैं। जैसे कि देखा जाए तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिरडी का नज़दीकी एयरपोर्ट है, वो जो 185 किलोमीटर शिरडी से आता है, मतलब जिन्हों भी बाय एयर आना चाहते हैं तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही नज़दीक एयरपोर्ट है और वहाँ पे बहुत ही फ्लाइट आती जाती है। जैसे कि डेली फ्लाइट बताया जाए तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ़्लाइट मुंबई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, चेन्नई से, कोची से, दिल्ली से, कोलकाता से एंड गोवा से भी आते हैं। मतलब इन्हीं सिटी में से कोई आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आप बाय एयर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हैं और बाय रोड 185 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और आप ट्रेन से देखा जाए, ट्रेन का नज़दीकी स्टेशन है अहमदनगर, पंडरपुर, मतलब बाय ट्रेन आप आ सकते हैं, जो मैं आपको ट्रेन बता रहा हूँ, अहमदनगर से आ सकते हैं, पंडरपुर से आ सकते हैं, चेन्नई से आ सकते हैं, हैदराबाद से आ सकते हैं, औरंगाबाद से आ सकते हैं, मुंबई से आ सकते हैं, पुणे से आ सकते हैं, नासिक से आ सकते हैं या दिल्ली से भी आ सकते हैं। और बाकी जानकारी जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इंटरनेट अवेलेबिलिटी पूरे शहर में उपलब्ध है, वहाँ का स्टडी कोड है 02423। लैंग्वेज जैसे कि शिरडी में मराठी बोली जाती है, मदर टंग सभी की मराठी है, हिंदी भी बोली जाती है और इंग्लिश भी वहाँ के लोग बोल लेते हैं। शिरडी में बहुत ही उत्साह से, मतलब उत्सव मनाया जाता है, वो है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के बारे में क्या बताएं, सभी भक्त जो साईं बाबा को गुरु मानते हैं वो गुरु पूर्णिमा में शिरडी में आते ही आते हैं।
और दूसरा उत्सव दशहरा मनाया जाता है। रामनवमी भी बहुत ही उत्साह से मनाई जाती है। शिरडी को आने के लिए, मतलब मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जिनको बाय एयर आना है उनका नियरेस्ट एयरपोर्ट है पुणे एयरपोर्ट, जो है 185 किलोमीटर। जिनको ट्रेन से आना है उनको नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन है साई नगर शिरडी, जो कि शिरडी से 4 किलोमीटर है, और मनमाड़ जंक्शन, जो कि शिरडी से 58 किलोमीटर है। जिनको बाय बस आना है, नियरेस्ट बस स्टेशन है शिरडी बस स्टेशन, मंदिर के पास में ही है। और आपको अभी शिरडी के मैं बात कर बताऊँ, जब भी आप शिरडी में विजिट करते हैं तो शिरडी के आसपास के जगह के बारे में आपको बता देता हूँ, जो कि आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। जब जो पहला मतलब मैं बताना चाहता हूँ, शनि सिंगनापुर बहुत ही शिरडी से नज़दीक है, और आप शिरडी आते हैं तो वहाँ भी ज़रूर जाना चाहिए। और साई हेरिटेज विलेज बोल के शिरडी में बहुत ही अच्छा साई बाबा की जानकारी देने वाला विलेज है, आप उसी का भी आनंद ले सकते हैं। साई बाबा के शिरडी में ही खंडोबा मंदिर है, वहाँ भी आप जाकर खंडोबा मंदिर के दर्शन ले सकते हैं, हनुमान मंदिर या मारुति के मंदिर का देख सकते हैं। और नासिक शहर भी शिरडी से बहुत ही नज़दीक है, आप वहाँ भी शिरडी आए हैं तो विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह आप शिरडी बहुत ही अच्छे तरह से घूम सकते हैं, बाबा के दर्शन ले सकते हैं। आप सभी के सभी मनोकामना बाबा पूरी कर देंगे, यही मैं आपको शुभकामना देता हूँ। और ऐसी इसी तरह जानकारी के लिए हमारा चैनल फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें लाइव दर्शन टुडे। और जिन्हें भी शिरडी के बारे में जानकारी चाहिए उन्हें इस वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम।